आगे देखिए भाग्य की बात ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य के साथ। नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। आज आपके भाग में क्या है उसे बताने के लिए मैं हाजिर हूं। आज 15 मार्च है, दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास, बसंत ऋतु, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज सारे दिन कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन आज वृष राशि से रहेगा। आज राहु काल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। यम घंटक काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। तो अब बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार द्वितीय घर में होने वाला है, अतः आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बनने की संभावना बनती है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से ही चंद्रमा का संचार हो रहा है। आज आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अत्यंत शुभ रहेगी। आज आपके स्पाउस से भी आपको फायदा होने की पूरी संभावना बनेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित रहने वाला है। सबसे पहले आज आप जब तक जरूरत ना हो तो अनावश्यक खर्चों से बचें। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार लाभ स्थान से हो रहा है, अतः अचानक आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। विशेष रूप से आज आपको किसी व्यापार में, कोई ऐसा व्यापार जिसमें 3-4 महीने से आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बनती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। आज आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, और इस बात की भी पूरी संभावना बनती है कि जो पिछले 3 से 6 महीने से आप ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहे थे, वो ट्रांसफ़र भी आपके हिसाब से होने की पूरी संभावना बनेगी। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार भाग्य स्थान से हो रहा है। यद्यपि चंद्रमा का संचार जहाँ से होगा वहाँ राहु देवता भी विराजे हुए हैं, लेकिन अचानक आज आपके भाग्य में वृद्धि होने की संभावना पूरी तरीके से बनती है। आज आप घर से निकलने से पहले 11 बार या 21 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके निकलें। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से जाने वाला है। विशेष रूप से आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से आपके लिए आज की सलाह ये है कि आप किसी सरकारी डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आज आप अपने स्पाउस के साथ कहीं आउटिंग की प्लान या किसी पिक्चर को देखने की प्लान बना सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज विशेष रूप से आपको अपने ननिहाल पक्ष से किसी धन की प्राप्ति बनने के योग बनते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। विशेष रूप से आज आपको पुत्र संतान से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। पुत्र संतान का आज किसी कंपटीशन में सिलेक्शन होने का योग बनता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए आज किसी शुभ सूचना की प्राप्ति होगी। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि विशेष साहस और पराक्रम की जरूरत पड़ेगी, आज आप अपने विशेष पराक्रम और साहस से उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम या कोई धार्मिक समारोह होने की पूरी संभावना बनती है। साथ ही साथ आपके परिवार में किसी नए सदस्य की वृद्धि हो सकती है। साथ ही मीन राशि वालों को आज अचानक किसी धन की प्राप्ति हो सकती है। विशेष रूप से वो धन ससुराल पक्ष से प्राप्त हो सकता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार। ABP News आपको रखे आगे।